फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिन के बाद मैं आप लोग के साथ ये ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे ये जो फूल उगा हुआ है, ये एक कैक्टस का पेड़ है जो पापा मेरे घर के बैक साइड में लगाए थे, और मैंने यहाँ पे टब में उसको ऐसे ही रखा हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है देखने के लिए ये जो फूल है। आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर सा फूल उगा हुआ है यहाँ पे, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे मम्मी स्वेटर बुन रही है क्योंकि आज है सैटरडे के दिन, पापा का ऑफिस नहीं होता है, सेकंड सैटरडे है इसीलिए। और जब भी मम्मी को टाइम मिलता है मम्मी ये सब करती रहती है, हाथ का काम। ये मम्मी के हाथ से बना हुआ एक बैग है, कैरी बैग। विंटर सीजन में बाहर जाने के लिए, कभी भी पिकनिक वगैरह जाने के लिए ये बैग, कैरी बैग यूज़ कर सकते हैं। छोटा मोटा जो भी सामान है वो सब लेके जा सकते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ आप लोग के साथ लंच रूटीन शेयर करने के लिए। ये जो आप लोग देख रहे हो आलू, ये बिग पोटैटो जिसको मिट्टी आलू भी बोलते हैं और काथ आलू भी बोलते हैं। धनिया पत्ता यहाँ पे है और टमाटर है। तो इसके साथ आज बनेगा मछली के कड़ी। तो यहाँ पे मम्मी मछली फ्राई कर रही है और यहाँ पे चावल बिठा दिया है। टमाटर ऐसे काट के रखे हुए हैं और ये जो आलू है, आलू को छोटा छोटा पीसेस में ऐसे काट के रख दिया है। आप लोग चाहो तो इसको सिझा भी सकते हो, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने तेल में पाँच फूरन देके, एक लाल मिर्च देके ये आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगी, हाफ सिझा लेंगी। उसके बाद ही जो टमाटर है वो ऐड होगा। विंटर सीजन में ये आलू मार्केट में मिल ही जाता है, दिख ही जाता है, और बहुत ही अच्छा होता है खाने के लिए, खाना भी चाहिए। यहाँ पे मम्मी ने नमक डाल दिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और बस ये जो आलू है उसको धक धक के फ्राई कर लेंगी। और सीजने के बाद ही यहाँ पे टमाटर ऐड होगा। तो यहाँ पे मम्मी ने टमाटर ऐड कर दिया है क्योंकि आलू सीज गया था इसीलिए, और फिर टमाटर को गलने तक फ्राई कर लेंगी धक धक के, और उसके बाद ही यहाँ पे पानी ऐड होगा, वो भी गर्म पानी ऐड होगा। आप लोग चाहो तो ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आलू को अच्छे से सीजना होगा, उसके बाद टमाटर को सीजना होगा, उसके बाद ही आप लोग पानी डाल सकते हो। यहाँ पे आप लोग देखिए कि टमाटर भी सीज गया है बहुत ही अच्छे से, और आलू तो ऑलरेडी सीज ही चुका है। अभी मम्मी यहाँ पे पानी ऐड कर देंगी, आप लोग अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो। और उसके बाद दो उबाल आने तक मम्मी यहाँ पे ढक्कन देके रख देंगी। और ये जो करी है वो बन चुका है, बस यहाँ पे मछली देना बाकी है। तो ये देखिए, दो तीन उबाल आने के बाद मम्मी यहाँ पे मछली जितना भी था उसको ऐड कर देंगी, और उसके बाद थोड़ा सा मीडियम आँच में एक मिनट तक पकाएंगे, और बस हो गया। धनिया पत्ता देने से ये करी बनके तैयार है और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट होता है। देखिए रेडी हो गया है। यहाँ पे आज मम्मी बनाने जा रही है धनिया पत्ता का चटनी टमाटर के साथ। विंटर सीजन में धनिया पत्ता का चटनी बहुत ही अच्छा लगता है खाके, और वैसे भी मुझे पसंद है कुछ भी सीजन हो, लेकिन धनिया पत्ता का चटनी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मम्मी ने तीन ग्रीन चिली दे देंगी यहाँ पे, और लहसुन देंगी, अदरक नहीं चाहिए।
यहाँ पे दो तीन बड़ा लहसुन काट के मम्मी ने दे दिया है, और टमाटर, और इन सबको पीस लेंगे मिक्सी में। थोड़ा सा नमक देके और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड हो गया यहाँ पे। तो ये पीस के रेडी होने के बाद देखिए ये चटनी बन के रेडी है, और हमारा आज का लंच भी रेडी है। यहाँ पे चटनी है, यहाँ पे करी है और राइस है। लंच करने के बाद मैं और मेरे पापा आए हैं पापा के फ्रेंड के घर में। ये जो आप लोग एरिया देख रहे हो ये मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर में है, एक्चुअली ये गांव का एरिया है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेम्बो का पेड़ देखोगे और पौंड वगैरह देखोगे। बहुत ही सुंदर है हमारा आसाम का जो गाँव सब होता है, कितना पेड़ पौधा से भरा हुआ है आप लोग देख ही पा रहे हो यहाँ पे। वैसे गांव का एरिया बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर होता है, हर जगह पे ही बहुत ही सुंदर होता है। तो यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर गांव है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये थोड़ा सा शेयर कर दूँ जो व्यू है, आप लोग देख के आप लोग को भी अच्छा लग सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। यहाँ पे जो आप लोग अभी घर देख रहे हो ये एक स्कूल है सरकारी, और यहाँ पे एक्चुअली बहुत पहले जो घर हुआ करता था वो मिट्टी से और बैम्बू से बना हुआ था, लेकिन अभी वैसा नहीं है। यहाँ पे ये पॉन्ड है और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मछलियाँ देते हैं, लोग मछलियाँ पालते हैं। पहले जैसा तो कुछ भी नहीं रहा, सब जगह डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पे अभी सीमेंट और ईंट का ही जितना घर है वो सब बन चुका है, पहले का जैसा कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए ये एक खेत है वहाँ पे। अभी हम घर की तरफ लौट रहे हैं। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ जितना भी वीडियोज़ है वो शेयर करती रहूँ। आज के लिए रखती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।